और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं सड़क की भी और कांग्रेस कमेटी से नियुक्ति के बाद ये लगातार ये चुनाव का प्रभाव मिलते हैं। रविंदर शर्मा जी हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन है और ये कह रहे थे कि मैं पत्रकार हूँ और आपको समझा रहे थे, पत्रकार पत्रकार सब समझते हैं आपस में कि किस लिमिट तक जाना है। और डॉली शर्मा जी हमारे साथ हैं यहाँ पे, अनीता जी हैं, गोकुल पटेल जी हमारे बाद के इंचार्ज हैं, हमारे साथी हैं ईश्वर चौहान जी, और मेरे प्रेस के बंधु। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ प्रेस के बहुत लोग मुझे मिले और लोगों का मानना है कि जम्मू की प्रेस जो है वन ऑफ द बेस्ट प्रेस है कंट्री की, और ये थोड़ा बहुत चलता है जो शुरुआत में हो रहा है। ये जब भी कोई साजिश सजता है अपना मंच सेट करते हैं वो भी ढोलकी चिमटा जाते हैं, ये थोड़ा चलता है। तो आपको एड्रेस करने का मुझे मौका मिल रहा है और मैं पिछले 25 साल से जर्नलिज्म छोड़ने के बाद लगातार MLA हूँ और मैंने आप लोगों की जो धारणा है कि पत्रकार इलेक्टेड इलेक्शन इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में कामयाब होंगे, उस धारणा को दिखलाया है कि पत्रकार अगर लड़ने पे आ जाए तो वो लगातार चुनाव जीतता है। और जम्मू कश्मीर में हमें और चन्नी साहब सीनियर ऑब्जर्वर चन्नी साहब नियुक्त हुए हैं और लोगों से हम मिले हैं, और जहाँ तक यहाँ चुनाव का सवाल है, जम्मू कश्मीर में ये निश्चित है कि अलायंस की सरकार बने, ये हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना मर्जी ताकत लगा ले यहाँ पे, लेकिन जो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे किया है, जो मिसरूल यहाँ पे हुआ है, लोगों के जहन में है, लोगों के दिमाग में है, और लोग भाजपा को निश्चित तौर पे सबक सिखा के यहाँ पे अलायंस की सरकार बनाएगी। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे भागे फिर रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी से लेके इनके जितने मंत्री हैं सब लोग जो है यहाँ पे जम्मू में भाग रहे हैं, और ये एक प्रयास है जो कि पूरा विफल हो जाएगा और यहाँ पे सरकार अलायंस की बनेगी और उसकी कारण है कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने कि जम्मू कश्मीर का अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया। ये बहुत कम होता है, स्टेटहुड के लिए राज्य लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तब जाके जो है एक राज्य फुल फ्लेज्ड राज्य बनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ का जो अस्तित्व है उसको समापन करते हुए राज्य का दर्जा घटाना, ये बहुत खेदजनक बात है। अब चुनाव आ रहे हैं तो आनंद मानन कह रहे हैं कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, लेकिन 10 साल इन्होंने राज किया, खासतौर पर पिछले 5-6 साल के दौरान जो जो घटित हुआ है जम्मू कश्मीर में, दो बड़े पहलू ये हैं।
जो कि यहाँ पे मैटर करते हैं, एक तो राज्य का दर्जा कम करना और दूसरा दरबार मूव को जो है स्थगित करना। ये कश्मीर और जम्मू एक दूसरे के प्राय है और एक दूसरे के पूरक हैं और पिछले कुछ सालों से दरबार मूव को स्थगित करना एक बार पहले भी हुआ था, तो आपने देखा यहाँ पे एजिटेशन हुआ था, एजिटेशन हुआ और हमारे अंदर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी को दखल देना पड़ा और उन्होंने कहा था कि ये परंपरा बंद नहीं होगी। ये दोनों चीजें जो हैं ये इस स्टेट के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई बातें थी जिसपे कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रहार किया। आप देखते हैं कि जब दरबार मूव होता है यहाँ पे लोग अपने दुकानों को सजाते थे, एरिया को सजाते थे, वेलकम करते थे, लोगों को काम मिलता था, होटलियर वहाँ से जब लाखों लोग आते थे यहाँ पे तो उनको होटल्स लगते थे, कारोबार बढ़ता था। तो उसमें जो है जो अटैक हुआ, इसकी स्वायत्तता पे अटैक हुआ, तो अब ये बदला लेने का समय आ गया है और हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता वो हमारे अलायंस की सरकार बनाएंगे। चंद दिन रह गए हैं और रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा। और वैसे भी आपने देखा कि अब यहाँ पे आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आ रहे हैं दूसरे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस आ जाएगी तो टेररिज्म लौट आएगा, जबकि यहाँ पे अगर नियंत्रण किया है, टेररिज्म को किसने नियंत्रण किया है, वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने, आपको मालूम है 2000 के बाद जो है 4-5-6 के केस में जो है यहाँ स्पेशल ऑपरेशन चलाया था,